जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग 12.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिगर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल ली है बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10 मीटर। एक फील्ड है जो ट्रेपेजियम शेप का है, जिसकी पैरेलल साइड्स जो है, आप पैरेलल साइड यहाँ पे देख पा रहे हो, ए बी और सी डी है, जो 10 मीटर और 25 मीटर की बताई जा रही है। दी नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड दी एरिया ऑफ दी फील्ड। हमको इस फील्ड का एरिया पता करना है। अब ये प्रॉब्लम का जो सिमिलैरिटी है, ये कुछ कुछ मिलता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 से, जिसमें हमने एरोप्लेन वाला पार्ट देखा था, जिसका लोअर पार्ट जो था वो ट्रेपेजियम शेप्ड ही था, जिसको हमने अलग से लेके सॉल्व किया था, आपको याद आ रहा होगा अगर आपने वो वीडियो देखा है तो। तो अब उस ट्रेपेजियम में भी हमारे लिए दिक्कत ये थी कि हमारे पास ट्रेपेजियम के फॉर्मूला में हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट थी, और उस फॉर्मूला के हिसाब से हमारे पास पैरेलल साइड्स तो अवेलेबल हैं लेकिन हमारे पास हाइट अवेलेबल नहीं है। तो उस प्रॉब्लम में भी यही दिक्कत थी, इस प्रॉब्लम में भी यही दिक्कत है। बट ये प्रॉब्लम उस ट्रेपेजियम से थोड़ा सा डिफरेंट कैसे हो जाता है? डिफरेंट ऐसे होता है कि वहाँ पे वो ट्रेपेजियम आइसोस्केलस दिया हुआ था, जहाँ पे दोनों भी साइड्स 1-1 सेंटीमीटर की आ रही थी, आपको याद आ रहा होगा। यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये आइसोस्केलस नहीं है, इसलिए ये एक 14 मीटर का दिया हुआ और एक 13 मीटर का दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहेगा एज़ कम्पेयर टू दैट प्रॉब्लम। अदरवाइज बैकड्रॉप इसका एक जैसा है, लगभग लेंथ भी वैसी ही है ट्रेपेजियम की जो हमने उस प्रॉब्लम में देखी थी, और यहाँ पे फिगर में कंस्ट्रक्शन भी एग्जैक्टली वैसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है कैलकुलेशनल वे में। जो कहाँ चेंज आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये प्रॉब्लम कंपेयर करके देखना है कि अगर आइसोस्केलस वाला आता है तो हमको कैसे सॉल्व करना है, और अगर नॉन आइसोस्केलस आता है यानी स्केलेन ट्रेपेजियम आता है तो हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चेंज कहाँ पे होगा मैं आपको बताऊंगा, अभी फ़िलहाल हम लोग उसको एक जैसा मान के चलते हैं। अब यहाँ पर फिर से हम उसी प्रॉब्लम के बैकड्रॉप पे बात करते हैं कि हमको यहाँ पर अगर हाइट चाहिए तो हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम लोगों ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो किया था वो ये किया था कि यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की थी पैरेलल एडी को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी यही करूँगा कि एक लाइन ड्रॉ करूँगा पैरेलल एडी को बी से, और जो डीसी को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट ई में। ओके, अब ये पूरा यहाँ पे 25 मीटर दिया हुआ था, वहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया था, यहाँ भी हमने ऐसा ही किया, प्लस हम लोगों ने यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ की थी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी मैं वैसे ही करूँगा बीपी परपेंडिकुलर टू ईसी या डीसी। अब हमने वहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव किया था, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही प्रूव करेंगे। कैसे? तो इसको हमने पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है एडी पैरेलल टू बीई, और एबी पैरेलल टू सीडी होने के वजह से एबी पैरेलल टू डीई अपने आप हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपोजिट साइड्स दोनों भी पेयर पैरेलल होने के वजह से क्वाड्रिलेटरल एबीईडी जो है ये पैरेललोग्राम हो जाता है। अब अगर पैरेललोग्राम हो जाता है तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती है, तो ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगी, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर ये 10 हो जाती है तो याद है आपको हम लोगों ने इसमें से ये माइनस किया था तो हमको ईसी मिला था, यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। पूरा डीसी अगर 25 मीटर है उसमें से डीई 10 मीटर है, तो बचा हुआ ईसी जो है ये 15 मीटर का हो जाएगा, राइट? तो इतनी चीज़ें यहाँ पर और उस प्रॉब्लम में कॉमन थी, तो हम लोग अभी यहाँ पे जितना पार्ट यहाँ पे दिया है वो फटाफट लिख लेते हैं, जो कॉमन वाला पार्ट है अभी जितना मैंने आपको समझाया, फिर आगे का पार्ट मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है अभी अभी, वो चीज़ आपको एग्ज़ाम के दौरान फिगर में नहीं लिखना है। फिगर में आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें लिखनी है जितना पार्ट गिवन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने बाकी की चीज़ें लिख दी, जैसे 15 मीटर, 10 मीटर, 14 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन नहीं था, ये हमने कंक्लूड किया हुआ है बाय आवर लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो वो आप फिगर में नहीं दिखाओगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम बड़ा है दोस्तों, तो हो सकता है वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाए। सॉल्यूशन, लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम
सच दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर, सी डी इज इक्वल्स टू 25 मीटर, ए डी इज इक्वल्स टू 14 मीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 13 मीटर। ठीक है, इतना पार्ट हम लोगों को गिवन था। अब हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ड्रॉ बी ई पैरेलल टू ए डी विच इंटरसेक्ट सी डी एट ई एंड बी पी परपेंडिकुलर टू ई सी विच इंटरसेक्ट ई सी एट पी। ठीक है, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब आप बोलोगे नाउ सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी देयरफोर ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड ए बी इज एंड ए डी इज पैरेलल टू बी ई एंड ए डी इज पैरेलल टू बी ई। क्या कहा हमने कि क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है, इसका मतलब ए बी पैरेलल टू डी ई रहेगा। ये एक अपोजिट पेयर आ गया, और साथ ही साथ ये तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है जो अभी अभी हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो इसलिए देयरफोर क्वाड्रिलैटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। तो इसलिए ये पैरेललोग्राम हो जाता है। अब क्योंकि ए बी ई डी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे देयरफोर ए बी इज इक्वल्स टू डी ई इज इक्वल्स टू 10 मीटर एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी ई ए डी इज इक्वल्स टू बी ई इज इक्वल्स टू 14 मीटर। यहाँ पे रीजन कॉमन दोगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अब हमको ये 15 मीटर बनाना है। ओके, तो इस पे बात करते हैं। बोलेंगे अगेन डी सी इज इक्वल्स टू डी सी जो है वो कितना है 25 मीटर का है, जो कि गिवन है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, लिखना है तो डी सी कैसे बना हुआ है डी ई और ई सी से। तो आप बोलोगे देयरफॉर डी ई प्लस ई सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 25 मीटर का। डी ई कितना अवेलेबल है हमारे पास 10 मीटर, तो यहाँ पे डाल दो 10 + ec इज इक्वल्स टू 25। देयरफॉर ई सी इज इक्वल्स टू 25 - 10, तो ये कितना आ जाता है 15 मीटर का। अब यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें जो फिगर के अंदर में मैंने दिखाई है उस सभी के जो मेजरमेंट्स हैं हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिए। अब हम जाएंगे एक्चुअल कैलकुलेशन की, और यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा जो मैं आपको बताता हूँ। तब तक मैं पहले बोर्ड क्लियर कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से चेंज क्या होगा, उस दिन यानी उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो ट्रायंगल देखा था वो आइसोस्केलस बना था, मतलब यहाँ भी 1 सेंटीमीटर आया था, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर आया था। बाद में जब कंक्लूड किया था आगे, तो ये भी हमको 1 सेंटीमीटर ही मिला था, तो उसको आप इक्विलैटरल भी बोल सकते हो। मैंने उस वीडियो में नहीं कहा था, बट वो इक्विलैटरल भी है, उसका यूज़ नहीं था, दैट्स वाई हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ये आइसोस्केलस नहीं है। आइसोस्केलस नहीं होने का हमारे यहाँ नुकसान क्या हो रहा है यहाँ पर, कि उस वक्त अगर वो आइसोस्केलस ट्रायंगल था तो हम लोगों ने बोला था कि आइसोस्केलस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ही मीडियन रहता है, तो हमने पी को मिड पॉइंट कंसिडर किया था और पी ई और पी सी को इक्वल मान के यहाँ पे हमने 0.5 सेंटीमीटर लिया था। यानी मेरे पास यहाँ पर 0.5 अवेलेबल था, यहाँ पर 1 अवेलेबल था, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके मैंने हाइट बी पी पता की थी। आपको याद आ रहा होगा, नहीं तो आप फिर से वो वीडियो देखो, फिर इस पर आना, आपको समझ में आएगा। तो वहाँ पर मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के लिए 2 साइड्स अवेलेबल हो चुकी थी जिससे मैं हाइट पता करूँगा। और मैं यहाँ पे फिर से आपको एक बार बता दूँ कि ये पूरे प्रॉब्लम के अंदर जो भी सर्कस हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये हाइट पता करने के लिए कर रहे हैं। अगर हमको ये हाइट मिल जाए तो हमारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, बिकॉज हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ट्रेपेजियम के एरिया का। तो अब हाइट पे ही बात आके अटकी है, और अब हम यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो चेंज क्या होगा, यहाँ से चेंज होगा कि अब हम आइसोस्केलस वाला पार्ट छोड़ देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
पहले ट्राइंगल बीईसी का एरिया निकाल लेंगे यूजिंग दिस थ्री साइड्स एंड हेरॉन्स फॉर्मूला। उससे जो एरिया आएगा उस एरिया का यूज़ करके हम हाइट पता करेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, तो हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम बोलेंगे इन ट्राइंगल बीईसी बीई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, या मीटर है यहाँ पे तो मीटर लेंगे, एंड ईसी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 15 मीटर। ठीक है, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बीईसी इज इक्वल्स टू 14 प्लस 13 प्लस 15 विच कम्स आउट टू बी 15 प्लस 14 इज 29 और 3 32 एंड 10 42 मीटर का पेरीमीटर आ गया। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, देयरफॉर एस इज इक्वल्स टू पी बाय 2, 42 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 21 मीटर। यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम आगे और हमको सॉल्व करना है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देयरफॉर बाय हेरॉन्स फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अंडर रूट एस का वैल्यू आया 21, 21 माइनस ए आया 14, 21 माइनस 13 और 21 माइनस 15। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 इंटू 21 माइनस 14 इज 7, 21 माइनस 13 इज 8, 21 माइनस 15 इज 6। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 21 कैन बी फैक्टराइज एज 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये 7 पहले से ही है। 8 कैन बी मल्टीप्लाइड एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 6 कैन बी मल्टीप्लाइड एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। चलिए देखते हैं। पहले 2 देखिए, यहाँ पे दो बार है, एक बार बाहर निकला। 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट 2 बाहर आया। 3 पेयर्ड में है तो यहाँ पे 3 बाहर आया। 7 पेयर्ड है, यहाँ पे 7 बाहर आया। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होएगा, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 12 7 ज़ार 84। तो 84 मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया ट्राइंगल का। ठीक है, अब यहाँ से हमको पता करना है हाइट। अब हाइट कैसे पता करेंगे, तो आप जानते हो कि ट्राइंगल का एक और फार्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फार्मूला चाहे कोई भी लगाओ, हेरॉन्स फार्मूला लगाओ या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आंसर तो वही आना है अगर ट्राइंगल सेम है तो। इसका मतलब बी ई सी का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी इतना ही आना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ लिखता हूँ कि नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी विच इज़ 84 मीटर स्क्वायर कैन बी रिटन एज हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस। तो यहाँ पर मैं बेस लूँगा ई सी को, बेस ई सी मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो हाइट मैं लूँगा बी पी को इज इक्वल्स टू 84। ये हमने पता कर लिया है, इसीलिए हमको पता करना था ताकि यहाँ से हम हाइट पता कर सकें। अभी यहाँ पर हाफ ई सी का वैल्यू हमारे पास फिगर से आ रहा है 15 मीटर का, जो हमने पहले ही निकाल लिया था। बी पी पता करना है 84 एज इट इज़। अब ये 215 उधर जाएगा तो किस तरह से जाएगा, बी पी इज इक्वल्स टू 84 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 15। अब ये 15 से परफेक्टली डिवाइड तो होगा नहीं, तो अभी इसको हम वैसे ही मीटर करके लिख देंगे, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। तो हमारे लिए हाइट अभी अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, अब हम हाइट अगर निकाल लिए हैं तो अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिव बचता है फाइनली फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो कि अभी 3-4 स्टेप का है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा, होल्ड ऑन। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स यहाँ पे ए बी और सी डी है, तो ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाइड बाय हाइट आएगा यहाँ पर बी पी। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अभी हाफ पैरेलल साइड्स में होता है 10 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, याद है आपको आया था हमारा 84 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब मैंने बोला था कि वो अभी कैलकुलेट नहीं करना है, हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए 2 2 कट गया, 10 और 25 बिकम्स 35,
इंटू 84 डिवाइडेड बाय 15, तो यहाँ पर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 3 5 7, तो आया 7 मल्टीप्लाइड बाई 84 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 3 से 84 डिवाइड होता है, 3 1 3 2 6, 2 बच गया 24 हो गया, 3 8 24, नाउ 28 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 8 7 56 कैरी 5, 8 7 2 14 और 5 कितना होता है 19, तो आंसर आ गया 196 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 196 मीटर स्क्वायर। तो देखिए अगर हमारे पास हाइट अवेलेबल होती तो हमारा प्रॉब्लम इतना ही था, लेकिन ये प्रॉब्लम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था पता है, हाइट जो हमारे पास नहीं थी। और ये इसके पहले हमने जो दो बार बोर्ड के ऊपर पूरा बोर्ड भर के जो भी चीज़ें की वो सिर्फ और सिर्फ ये बीपी के लिए था, इसलिए प्रॉब्लम इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाला प्रॉब्लम और एरोप्लेन के अंदर का जो ट्रेपेजियम वाला पार्ट था वो ऑलमोस्ट सेम है, सिवाय इसके कि वो आइसोस्केलेस था और ये स्केलेन है। तो दोनों में जो फ़र्क है लास्ट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल से हाइट पता करना और पाइथागोरस थ्योरम से हाइट पता करना, बस उतना ही माइन्यूट डिफरेंस है, वही आपको ख्याल रखना है। तो अभी मैं आपको होमवर्क में क्या बोलूँगा कि आप फिर से वो वाला पार्ट सामने निकालिए रजिस्टर से और ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख लीजिए पहले रजिस्टर में, और दोनों को कंपेयर कीजिए और फिर दोनों भी बिना देखकर एक एक बार सॉल्व करिए, ये रहेगा आपका होमवर्क। और यहाँ पर अभी आप लोगों का एक्सरसाइज 12.2 के साथ साथ हेरॉन्स फार्मूला चैप्टर भी ख़त्म होता है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जो होमवर्क दिया हुआ है वो कंप्लीट करिए। ओके, जय हिंद।